राज्यसभा के टिकट की खींचातानी ने कमलनाथ का तख्त हिलाकर रख दिया है। कमलनाथ सरकार भंवर में फंस गई है, जहां सरकार का डूबना तय माना जा रहा है। कमलनाथ सरकार के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, अब उसके पास बहुमत नहीं है। इधर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिए हैं। बेंगलुरु में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों ने रविवार सुबह फिर वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, हम अपनी स्वेच्छा से यहां आए हुए हैं और किसी ने हमें बंधक नहीं बनाया है, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा या अन्य किसी एजेंसी की सुरक्षा वापस जाने के लिए दी जाए, हो सकता है कि हमें स्पीकर से मिलने नहीं दिया जाए। विधायकों ने यह भी कहा कि सरकार हो सकता है कि दबाव बनाकर परिजनों द्वारा कोई शिकायत कराए तो उसे अमान्य कर दिया जाए। सभी ने कांग्रेस सरकार से खुद को खतरा बताया और कहा कि जब सिंधिया जी को भोपाल में निशाना बनाया जा सकता है तो हमें भी खतरा है। सुनिए क्या कहा है इन विधायकों ने। मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ और अब मैं मध्य प्रदेश आना चाहती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करती हूँ कि मेरी सुरक्षा के लिए मुझे मध्य प्रदेश आना है और मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। मेरे बच्चों पर कोई दबाव ना डाला जाए और मैं सिर्फ अपनी इच्छा से आई हूँ और मैं मध्य प्रदेश लौटना चाहती हूँ। और इस्तीफा मैंने, जो मैं कैबिनेट में मंत्री थी महिला बाल विकास में, मैंने इस्तीफा दे दिया है। स्वेच्छा से अपनी विधानसभा के बाद 37 सीटों से इस्तीफा दे चुका हूँ और मैं अभी बेंगलोर में हूँ। स्वयं मैं यहाँ आया हूँ, कोई मुझे लाया नहीं है, ना ही किसी प्रकार का बंधन है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी किसी ने बंधन बना के रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से जब मैं मध्य प्रदेश जाऊँ तो मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल से सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार वहाँ है उस सरकार से मुझे खतरा है। मैं नहीं समझता कि उस सरकार में अब हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए मुझे केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदान की जाए। इधर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। अब विधानसभा में भी दलीय स्थिति में भारी बदलाव आ गया है। अब सदन में कांग्रेस और भाजपा के बीच मात्र 1 सीट का अंतर बचा है। यदि बाकी 16 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है या वे सदन में उपस्थित नहीं हुए तो कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। दोनों ही हालात में कमलनाथ सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को होने जा रहे फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर भाजपा को बहुमत दिलाने के लिए व्हिप जारी हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। मैं वर्तमान में बेंगलोर में मेरे मित्रों के साथ स्वतः शिक्षा से यहाँ आया हूँ। मेरी रुचि है कि मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, गवर्नर साहब से मिल सकूँ और जो वर्तमान की कमलनाथ जी की सरकार है उस पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो मेरे विधानसभा के आने पर कोई भी परिजन मित्र या साथियों से कोई भी झूठी शिकायत कर मुझे रोकने का प्रयास करेगी। कांग्रेस विधायक सुबह जयपुर से विशेष विमान से भोपाल पहुंचे और इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचाया गया। जयपुर से भोपाल लाए गए कांग्रेस विधायकों को भोपाल के मैरियट होटल में रखा गया है। इस बीच सीएम कमलनाथ के घर पर दिग्विजय सिंह और संसदीय कार्य मंत्री के बीच बैठकों का दौर जारी है। मंत्रिमंडल की भी बैठक होना है। इसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी को फ्लोर टेस्ट की लेकर जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि उसके पास 112 विधायकों का समर्थन है।